तो अभी के इस शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्लास में हम जानेंगे कि जो भी छात्र 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी करके बताया जा रहा है। जी हाँ, तो इस अपडेट को समझेंगे, उसके साथ साथ जो ना ये भी समझेंगे कि जो भी छात्र कक्षा नौवीं में जो जो एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में, जिसका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होगा, क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में जानकारी दिया था कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होगा, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो जारी नहीं किया गया था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगले मंथ जैसे स्टार्ट होगा उसके शुरू में ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है जारी कर दिया, रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वही हुआ, यहाँ पर एक एक जानकारी समझेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास नाइन्थ के छात्र छात्राओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो का डेट जारी कर दिया जाएगा। और आज से, जी हाँ, आज से आपका रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है, डेट जारी किया है। आज से अपने स्कूल विद्यालय कॉलेज में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद हम यह भी समझेंगे कि जो भी छात्र जो ना 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे तो उसका क्या एज होना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसका एज नहीं पूरा तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 से सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उसमें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है। उसके साथ साथ जो है इसका डेट कब से कब तक जारी किया गया, ठीक है, उसका डेट जो है ना कब से कब तक जारी किया रजिस्ट्रेशन का डेट, तो यहाँ पर पूरा जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2/11/2022 से लेकर 23/11/2022 तक आप रजिस्ट्रेशन अपने विद्यालय में जाकर करा सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में जाकर करा सकते हैं। क्लियर समझना है। उसके साथ साथ अगर आपका एज, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका एज अगर 40 इयर्स 2024 में पूर जाता है, 40 यानी कि 14 साल जो है ना, 14 साल अगर आपका ना एज पूर जाता है तो ही जाकर आप एग्जाम दे पाएंगे, अन्यथा आप जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर समझ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहीं पर नीचे जाए एक एक जानकारी दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जो आपका जो डेट है समझो वो कब से कब तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मार्च 2010 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए पंजीयन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जिनका जो है ना 2024 में 1 मार्च 2024 में अगर 14 साल पूरता है, समझे, 1 मार्च 2024 में 14 साल पूरता है, उसके बाद वाला जो छात्र है अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा, जिसके कारण आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठ नहीं पाएंगे, सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो ना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2010 से, यानी कि 1 मार्च 2010 से कम होना चाहिए, ताकि जो ना आप जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है। अब उसके साथ साथ समझते हैं कि इसके लिए कितना फीस दिया जाएगा और कैसे कैसे आवेदन करेंगे। तो जो सामान्य कोटि के छात्र है, समझिए, जो नियमित कोटि के छात्र है उनके लिए जो ना 350 रुपया रखा गया है, ठीक है, और जो 320 रुपया रखा गया है, उसके बाद जो सामान्य कोटि के छात्र उनके लिए 450 रुपया रखा गया है। क्लियर समझना, ये आज का जो ना पेपर है, इस पेपर कटिंग के माध्यम से बताया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर समझते हैं कि है ना कैसे कैसे है ना आपको परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर जरा सा भी दिक्कत कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण जो है ना 2024 में जो बोर्ड परीक्षा आने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा ना सुधार करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इस साल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जारी किया गया है, समझे, जो जारी करेगा बोर्ड परीक्षा के द्वारा, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उसमें जो जारी करेगा, उससे पहले जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है ना 13 डिजिट का जो है ना एक यूनिक आईडी डालना पड़ेगा, जिसके सहायता जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा प्रोसेस उसी यूनिक आईडी के मदद से किया जाएगा। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, समझे, किन किन बातों का नियम का है ना सावधानी बरतना है, अगर आप जरा सा भी गलती कर देते हैं तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या लगाना है, नहीं वाइटनर का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हो। तो वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो ना आप कैसे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किन किन बातों का सावधानी बरतना है, समझिए, सारा का सारा जानकारी समझेंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और किसी भी गूगल ब्राउजर में जाना है और सिंपल सर्च करना है pointofstudy.com। जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही सही आपको सर्च करना है, pointofstudy.com सर्च कर देना है, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है और इस तरह से सर्च करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है pointofstudy.com, ठीक है, सिंपल इस पर सर्च कर देना है। तो जैसे इस पर सर्च
सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और ये पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल का जो नाम है पॉइंट एमएसडी एसटीएम, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है समझिए, यहीं पर एक एक जानकारी खुल जाएगा। और यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में, ताकि मैं जब भी सूचना डालूँ तो जैसे अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिस पहुँच जाए। उसके बाद यहीं पर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है BSEB अपडेट, समझे, लेटेस्ट अपडेट में नहीं जाना है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ BSEB अपडेट, क्लियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक एक जानकारी मिल जाएगा यहाँ पर, समझे क्या होता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में है ना 2024 में होगा या नहीं होगा, तो उसका पहले मैं जानकारी दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जानकारी, और यह जो आज का जो पेपर है समझिए, यहाँ देख सकते हैं आज का पेपर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, उसको समझना है। उसके साथ साथ नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है समझिए, वो आपका है नौवीं कक्षा में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, ताकि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर दिया और एक एक जानकारी यहाँ खुल जाएगा, और यहाँ पर तिथि भी जारी कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन जो है कब से कब तक होगा, यहाँ पर जानकारी दिया है समझिए। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ना कितना फीस लगेगा सारा का सारा इसमें भी जानकारी दिया है। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा समझिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करके रखना है समझिए, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ना आ चुका है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया है क्लास 9th के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है समझिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर 13GD का जो है ना यूनिक आईडी कोड दिया जाएगा, वो स्कूल के तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद ना आपका आधार कार्ड लगेगा समझिए, क्लियर समझ रहे हैं। उसके बाद जो ना आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि कोई नियमित कोटि के छात्र अगर आय प्रमाण पत्र देते हैं तो उनको छूट दिया जाएगा, इसलिए ना आप आय प्रमाण पत्र बनाकर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ना बैंक खाता फोटो को भी लगेगा। उसके बाद नामांकन रसीद, आप जिस समय एडमिशन कराए थे अगर आपके पास नामांकन रसीद है तो ही दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है समझे। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद ना यहाँ पर ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जो आप आठवीं समझना समझिए, आपको जो टीसी मिला होगा समझ, जिसमें आप है ना एडमिशन कक्षा 9वीं में जो कराने गए होंगे वो फोटो जो है ना ऊपर लगा होगा आपका समझिए, उस तरह से उसका जीरोक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर समझना है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप है ना आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है, तो उसका भी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है ना क्लिक करके वहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लियर समझना है कि 2024 में जो छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, जो अभी क्लास 9th में जो एडमिशन लिए 2022 में, उनका 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है ना डेट जारी कर दिया गया है, और आज से आप जाकर जो है ना रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं 23 तारीख तक बिना कोई विलंब शुल्क के साथ, ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।